आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एज ए प्रोग्रामर आप अपनी पूरी जिंदगी जो काम करते हो उसमें 50% टाइम डेटाबेस में आप यही काम करते हो। आप समझ लो कि ये टॉपिक कितनी इम्पॉर्टेंट है। यदि ये टॉपिक तुम्हें आती है तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हें डेटाबेस आती है, और यदि ये टॉपिक ना आ रहा हो तो फिर आप डेटाबेस बोलने की हिम्मत कहीं भी ना करें। मतलब डेटाबेस का मतलब ही है सब क्वेरीज। आप जितने भी इंटरव्यूज में जाओगे, जितने भी जॉब्स में जाओगे, आप प्रोजेक्ट में काम करोगे, मोरलेस आपको यही काम करना होता है। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे सब क्वेरीज की, और ये डेटाबेस की सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे जो इवन काम करते हैं और इवन जो लोग मतलब पढ़ रहे होते हैं, यदि आप उनसे बात करोगे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है डेटाबेस में, तो वो एक ही शब्द बोलेंगे, सब क्वेरीज। एज ए प्रोग्रामर आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सब क्वेरीज लिखें। तो सब क्वेरीज जो है सबसे टिपिकल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आज के बाद ये टॉपिक तुम्हारे लिए सबसे आसान हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें प्रॉपरली इसको रिवाइज करना होगा और थोड़ा सा फोकस करना होगा। बिलीव मी, ये चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव कर जाएंगी, बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं ये। और मैं जिस टेक्निक को आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक आपको कहीं किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा कि सब क्वेरीज हम ऐसे बनाते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे ध्यान से देखो, आपके लिए बड़ी मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी ये। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे, चूंकि मैं ओरेकल यूज़ कर रहा हूँ, तो ओरेकल के अंदर मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ अपने यूज़र से। तो ओरेकल में आपको पता है भाई सारा काम हमारा यूज़र आईडी से होना है, तो मैं यहाँ पर ओरेकल में कनेक्ट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर लाइन साइज और पेज साइज भी सेट कर लेता हूँ। सेट लाइन साइज 100 और मैं बोल देता हूँ सेट पेज साइज 25। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब क्वेरी। देखो सब क्वेरी का मतलब क्या होता है। सब क्वेरी का मतलब होता है क्वेरी विद इन ए क्वेरी। सब क्वेरी का मतलब होता है क्वेरी विद इन ए क्वेरी। एक क्वेरी के अंदर में हम जब दूसरी क्वेरीज डालते हैं उसी को हम बोलते हैं सब क्वेरीज। जितने भी हम लोग सब क्वेरीज बनाते हैं, याद रखना सब क्वेरीज के अंदर हमारी जो हमारी यहाँ पे इनर क्वेरी होती है और हमारी यहाँ पे आउटर क्वेरी होती है। दो क्वेरी चलती हैं, एक इनर चलता है, एक आउटर चलता है। याद रखना जो हमारा आउटर क्वेरी होता है, एट फर्स्ट इनर क्वेरी विल गेट एग्जीक्यूट, एट फर्स्ट इनर क्वेरी विल गेट एग्जीक्यूट। सबसे पहले हमारा इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आउटर क्वेरी विल गेट एग्जीक्यूट, आउटर क्वेरी विल गेट एग्जीक्यूट। पहले हमारा इनर क्वेरी चलता है इनर क्वेरी के बेसिस पे, फिर हमारा आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है। ठीक, अभी भूल जाओ इन तमाम बातों को, मैं सीधा आता हूँ अपने क्वेश्चंस की तरफ। और मान लो मेरा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है कि आपको डिस्प्ले करना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अब जरा आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना है सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। अब सवाल यह है कि भाई मैं सेकेंड हाईएस्ट सैलरी को डिस्प्ले कैसे करूँ। तो मुझे तो भाई, मैं देसी स्टाइल में काम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। कई बार क्या होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो गुरुजी ने बताया था भाई सेकंड हाईएस्ट का मतलब जो दूसरा हाईएस्ट वाला सैलरी है, तो पहले पहला हाईएस्ट तो निकालोगे भाई। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं। तो फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हम यहाँ बोलते हैं सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी। अब इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमें मैक्सिमम सैलरी दे दिया ना। अब हमारे सामने मैक्सिमम आ गया। अब मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमम निकालना है, लेकिन जो मैक्सिमम निकालना है वो 5000 से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी। अब मैं बोलता हूँ वेयर सेल लेस देन 5000। अब हमारा काम हो गया, देखो 3000 रिजल्ट हमारे सामने आ गया, हमारे सामने सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकल के आ गई। लेकिन ये जो सेकेंड हाईएस्ट सैलरी तुम निकालो, ये दो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करने के बाद आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक में कंबाइन करना है। तो एक में करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, उसी को तो हम बोलते हैं सब क्वेरीज। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा एक क्वेरीज के अंदर, उसी को हम लोग सब क्वेरीज बोलते हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करोगे, तो याद रखना सबसे पहले देखो एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी हर सेल लेस देन 5000। ये 5000 कहाँ से आ रहा है, ये 5000 हमारा ऊपर से आ रहा है। तो भाई मैं यहाँ पे 5000 लिख दूं, या फिर 5000 के जगह मैं ये लिख दूं, बात तो बराबर है ना। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ।
और ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे ये वाली क्वेरी डाल देता हूँ, ये देखो आ गया, क्या आउटपुट मिला मुझे 3000। तो सब क्वेरीज लिखने का यही तरीका होता है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल लेस देन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी डिस्प्ले कर रहा है। गारंटेड क्वेश्चन है तुम्हारे सारे इंटरव्यूज का, हाउ टू डिस्प्ले सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो मैंने बोला सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल लेस देन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, और रिजल्ट हमारे सामने। चलो मैं अब आता हूँ दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालना है। मैं बोलता हूँ कि मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालना है। अब थर्ड हाईएस्ट का मतलब क्या है, पहले आप हाईएस्ट निकालोगे, पहले आप मैक्स सैलरी निकालोगे, ये रहा जी। फिर आप बोलोगे मैक्स सैलरी जो 5000 से कम हो, ये रहा जी। तो ये 3000 आ गया। फिर मैंने बोला मैक्स ऑफ सैलरी जो 3000 से कम हो। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 2975। तो ये 2975 हमारा क्या, ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी। अब मुझे क्या करना है, ये तीन जो सैलरीज हैं इन तीनों सैलरी को मुझे कंबाइंड करना है, और कंबाइंड करने के बाद एक रिजल्ट लानी है। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, नीचे से। किसी भी सब क्वेरीज को बनाने का तरीका यही है, पहले उसे तोड़ लो। मैंने तोड़ लिया, तोड़ के बना लिया, अब फाइनली उसे कंबाइन कर दो। कंबाइन कहाँ से करोगे, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर। तो पहले नीचे वाले क्वेरीज को लिखो। अब ये बताओ 3000 कहाँ से आ रहा है, 3000 यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ पर डाल दो। चलो मैंने ब्रैकेट लगा दिया और ये वाला लाइन डाल दिया। और ये 5000 है, 5000 कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ये वाला यहाँ से हटा दो और जो ऊपर वाला लाइन है वो डाल दो यहाँ पे, ये देखो। और दो पैरेंथेसिस हैं, इसको बंद कर दो, ये राजी रिजल्ट। कितना आसान है। मैंने अब देखो, तुम ये लिखने के लिए सोचोगे तो दिक्कत है, तुम ये मत सोचो, तुम ये सोचो कि इसको तोड़ लो और तोड़ने के बाद जोड़ दो। तो मैंने बोला सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल लेस देन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल लेस देन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी। तो ये हमारा यहाँ पे इनर क्वेरी है, ये क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगी। इसने क्या रिटर्न करा, इसने रिटर्न करा 5000। उसके बाद हमारा ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, इसने क्या रिटर्न करा 3000। उसके बाद हमारा ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, उसने क्या रिटर्न करा 2975। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2975। कभी भी सब क्वेरीज बनाने का तरीका यही है, आपको तोड़ना है और जोड़ना है। मैं बड़ा सिंपल सा आपको टिप्स दे रहा हूँ, कोई भी सब क्वेरी यदि तुम्हें बनाना है तो पहले उसे तोड़ लो और तोड़ने के बाद उसे फिर जोड़ लो। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, चलो मेरा क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी बिलोंग्स टू सेकंड हाईएस्ट सैलरी। उस एम्प्लॉय का नाम दिखाना है जिसकी सैलरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी के बराबर है। तो भाई पहले ये तो पता कर लें कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए फिर पहले क्या निकालेंगे, पहले फर्स्ट हाईएस्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट हाईएस्ट कैसे निकलेगा, ये राजी। फिर सेकंड हाईएस्ट निकालेंगे, फिर जी सेकंड हाईएस्ट निकालेंगे, ये राजी सेकंड हाईएस्ट। ओ 3000 के बराबर हो, तो मुझे बोलना है डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी बिलोंग्स टू 3000। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, नाम दिखाना है ना एम्प्लॉय का, नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज इक्वल टू 3000। मैंने बोल दिया यहाँ पे सैलरी इज इक्वल टू 3000, डाल दिया। अब देखो ये रिजल्ट है। अब ये तीन को कंबाइन कर दो, और मैंने आपको बता रखा है कंबाइन कैसे करना है, नीचे से ऊपर करना है। तो पहला जो नीचे वाला लाइन है उसको लिखो। अब ये 3000 कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, और जो ऊपर वाला लाइन है उसको फिर से डाल दो, डाल दिया। ये 5000 कहाँ से आ रहा है, नीचे से ऊपर से आ रहा है, तो ये इसको हटा दो और ये 5000 वाला लाइन डाल दो यहाँ पे, डाल दिया। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, रिजल्ट आपके सामने। तो किसी भी सब क्वेरीज को बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। मैंने बोला सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल इज इक्वल टू, फिर सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल लेस देन, फिर मैंने बोला सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी। यदि ये तीन लाइन तुम एक बार में लिखोगे तो दिक्कत आएगी, आप इसे तोड़ लो, तोड़ तोड़ के आराम से काम करो। एंड फाइनली मैंने इसे नीचे से उठाया, पहले ये लाइन लिखा, फिर 3000 की जगह मैंने ये लाइन लिखा, फिर हमने यहाँ पे इसके जगह हमने यहाँ पे ये लाइन लिखा। तो हमारा ये आ गया डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी बिलोंग्स टू सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक, सपोज करो मेरा क्वेश्चन है डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज जॉब इज सेम एज ब्लैक जॉब।
उस एम्प्लॉय का नाम दिखाना है जिसकी जॉब जो है ब्लैक के जॉब के बराबर है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या करना होगा तुम्हें, पहले ये पता करना होगा कि भाई ब्लैक की जॉब क्या है। तो मैं कैसे निकालूं ब्लैक की जॉब, तो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ ब्लैक। ये देखो ब्लैक की जॉब क्या है, मैनेजर। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेट चला गया क्या, आवाज आ रही है तुम लोगों? हाँ आवाज आ रही है यस सर, सर आप मीटिंग छोड़ गए थे। हाँ नेट चला गया था। चल मेरा यहाँ पे सवाल है, मैं बात कर रहा था कि भाई आपको यू नीड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु जॉब इज सेम एज द ब्लैक जॉब। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा भाई, मुझे ये पता करनी पड़ेगी ब्लैक की जॉब क्या है। तो मैंने बोला सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम इज इक्वल टू ब्लैक। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं अब बोलता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट, अब मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हु जॉब इज, हु जॉब इज मैनेजर। तो आप कैसे लिखोगे, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर जॉब इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ मैनेजर। ये देखो ये उन तमाम लोगों को दिखा रहा है जिसकी जॉब क्या है, मैनेजर है। अब मुझे क्या करना है, इन दो को एक लाइन में लिखना है, यही तो है सब क्वेरीज। तो आप कैसे कंबाइन करोगे, मैंने बता रखा है यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जाना है। ये रहा, पहले ये लिखोगे और मैनेजर की जगह क्या लगा दोगे, ये वाला लाइन लगा दोगे, बस बन गई जी सब क्वेरीज। सब क्वेरीज सबसे आसान होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमें पता होना चाहिए हमें करना क्या है। आप एक बार में लिखने की कोशिश मत करो, आप कभी मत सोचो कि आप एक बार में ही मतलब साइंटिस्ट बन जाओगे, ये मत सोचो। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये दोनों लाइन लिखो और इसको फिर मिला के कंबाइन कर दो, आपको ये मिल जाएगा और रिजल्ट आपके सामने है। हम लोग क्या करते हैं गलती, जब कभी भी हमारे सामने कोई सब क्वेरी आता है तो हम एक बार में ही इसको लिखना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख डालते हैं। आप इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद कंबाइन करो, यही ऑप्शन है हमारे सब क्वेरीज के लिए। चलो फिर मेरा सवाल है, डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज सेम एज डिपार्टमेंट ऑफ स्कॉट। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है कि डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज डिपार्टमेंट इज सेम एज डिपार्टमेंट ऑफ स्कॉट। सबसे पहले अब इसमें क्या करोगे जरा बताना, तुम लोग क्या करोगे सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या निकालोगे, यहाँ पे स्कॉट का डिपार्टमेंट निकालोगे ना, तो स्कॉट का डिपार्टमेंट कैसे निकालोगे? तो मैं यहाँ बोलता हूँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ई एम पी वेयर ई नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया स्कॉट। अच्छा स्कॉट का डिपार्टमेंट 20 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट इज 20, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। ये तमाम वो लोग हैं जिनका वही डिपार्टमेंट है जो स्कॉट का है। अब मुझे क्या करना है, इन दो को कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करोगे, पहले नीचे वाला लाइन लिखोगे, मैंने बार बार बोला है, और इस 20 की जगह आप क्या करोगे ब्रैकेट लगा दोगे और फिर ये ऊपर वाला लाइन लगा के डाल दोगे कि हमने यहाँ पे डाल दिया, ये रहा रिजल्ट, रिजल्ट हमारे सामने है। कितना ईजी है, लेकिन सब क्वेरीज तभी ईजी है जब तुम उसे ब्रेक करके बनाओगे, अदरवाइज लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं कि करना क्या है। सपोज करो मेरा सवाल है डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मेरा सवाल है डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज लेस देन सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। मुझे उन तमाम लोगों को काउंट करना है जिसकी सैलरी सेकेंड हाईएस्ट सैलरी से कम है। तो पहले सेकेंड हाईएस्ट सैलरी तो निकाल लो, कैसे निकालोगे सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, पहले मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी।
अब मैं क्या बोलता हूँ, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल लेस देन, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ 5000, बोल दिया भाई आपने सेकेंड हाइस्ट निकाल लिया। अब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु सेल इज लेस देन 3000। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए हम क्या लगाते हैं, काउंट। तो हम यहाँ बोलते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी लेस देन क्या बोलोगे 3000। तो ये तमाम वो लोग हैं भाई लोग जिनकी सैलरी सेकेंड हाईएस्ट सैलरी से कम है। अब इन तीन लाइन को मुझे एक लाइन में करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, नीचे से स्टार्ट करो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो 3000 है, 3000 की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ और फिर ऊपर वाला लाइन लिख देता हूँ, है ना, ये 5000 वाला लाइन लिख देता हूँ। और ये 5000 कहाँ से आया, ऊपर से आया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ और फिर ये ऊपर वाला लाइन लिख देता हूँ और फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ और फाइनली रिजल्ट हमारे सामने है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया हमारे पास 11। कितना आसान है, क्या एक बार में हम इन चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी, होंगी भाई, अभी आप लिखोगे तो गलतियाँ होंगी क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है, बाद में हाँ आप मास्टर हो जाओगे तब फिर जो भी लिखना है लिखो, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना है, बच्चों की तरह खेलना है, क्या करना है, इसको तोड़ना है और तोड़ने के बाद फाइनली इसे कंबाइन कर देना है और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक। तो सब क्वेरीज के अंदर हमें इन बातों का ही ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से काम करना है। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो याद रखना इस पूरे सब क्वेरीज के अंदर डिस्प्ले सेकेंड हाईएस्ट सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग आपसे अक्सर पूछा करेंगे ये। चलो मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, डिस्प्ले नेम ऑफ मैनेजर, मुझे मैनेजर का नाम शो करना है। अब मैनेजर का नाम कहाँ से शो करोगे, सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या करोगे, याद है तुम लोगों ने जब ज्वाइन पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने सेल्फ ज्वाइन बताया था तुम लोगों को, याद है ना, सेल्फ ज्वाइन में हम मैनेजर का नाम निकाल के देख रहे थे, याद है ना। मैनेजर का मतलब क्या है, देखो ईएमपी टेबल को ध्यान से समझो, ये हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, ये यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, ये उसकी जॉब है, क्लर्क सेल्समैन मैनेजर, सेल्समैन मैनेजर एनालिस्ट प्रेसिडेंट, और ये एमजीआर है, एमजीआर का मतलब मैनेजर नंबर। अब यदि मैं बोलूँ स्मिथ का मैनेजर कौन है, तो स्मिथ का मैनेजर है 7902, और ये 7902 भाई किसका एम्प्लॉय नंबर है, तो वो फोर्ड का है, इसका मतलब हु इज द मैनेजर ऑफ स्मिथ, फोर्ड। हु इज द मैनेजर ऑफ एलन, 7698, और ये 7698 ब्लैक का होगा, ये देखो तो 7698 किसका है, ब्लैक की है। अब ब्लैक हु इज द मैनेजर ऑफ ब्लैक, 7839 किंग का होगा, ये देखो। और देखो किंग का कोई मैनेजर नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट का कोई मैनेजर नहीं होता, इसका मतलब ये है कि केवल मैनेजर ही मैनेजर नहीं है, एनालिस्ट भी मैनेजर है, प्रेसिडेंट भी मैनेजर है, तो मतलब भाई सीधी सी बात है ना, देखो कंपनी में मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट भी तो वाइस प्रेसिडेंट का मैनेजर होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो भी जनरल मैनेजर का मैनेजर होता है, जो जनरल मैनेजर होता है वो मैनेजर का मैनेजर होता है। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये नहीं है कि केवल मैनेजर ही मैनेजर है, जो एनालिस्ट है वो भी किसी न किसी का मैनेजर है, जो प्रेसिडेंट है वो भी किसी न किसी का मैनेजर है। तो आपको क्या करना है, नाम दिखाना है मैनेजर का। अब ये बड़ा टिपिकल सा चीज़ है, मैं मैनेजर का नाम कहाँ से दिखाऊँ, तो सीधी सी बात है, जो एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे अवेलेबल है एमजीआर के अंदर वो क्या है, मैनेजर है। जो भी एम्प्लॉय नंबर एमजीआर में अवेलेबल है यहाँ पे है वो मैनेजर है। तो मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा, डिस्प्ले नेम ऑफ मैनेजर, तो मैं यहाँ बोलता हूँ सेलेक्ट, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट मैं यहाँ पे करता हूँ ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, जो एम्प्लॉय नंबर होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट एम जी आर फ्रॉम ई एम पी, अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हमने, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ फ्रॉम ई एम पी, ये देखो आ गया। ये तमाम जो भाई लोग हैं ये बहुत महान लोग हैं, ये सारे मैनेजर हैं, ये देखो ये फोर्ड है, ब्लैक है, किंग है, जॉन है, स्कॉट है, क्लार्क है, दीज आर द लिस्ट ऑफ द मैनेजर्स। तो मैंने कैसे निकाला मैनेजर का लिस्ट, मैंने बोला ई नेम ले लो ईएमपी टेबल से, अच्छी बात है जी,
अब मैंने बोला हेयर इम्प्लाई नंबर इन, जहाँ पे इम्प्लाई नंबर इसमें से होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सेलेक्ट एम जी आर फ्रॉम ई एम पी, तो जितने भी एम जी आर होंगे उसको सेलेक्ट कर लिया, और ये एम जी आर यदि यहाँ से मैच कर रहा है तो उसका नाम शो कर दिया यहाँ पे। तो मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी और इम्प्लाई नंबर इन सेलेक्ट एम जी आर फ्रॉम ई एम पी, ये यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया एंड ये हमें मैनेजर का नाम मिल गया। सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ डिस्प्ले नेम ऑफ वर्कर्स, वर्कर का दिखा दो भाई, जो मजदूर लोग हैं उनका नाम दिखा दो। अब हम लोग जैसे मजदूर लोग हैं भाई, तो देख हम लोग का नाम कहाँ से आएगा, तो हमारा नाम तो यहीं से आएगा नेम ऑफ वर्कर्स वाले में। भाई हम मैनेजर तो है नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं है, एनालिस्ट भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है भाई, हमारा हम लोग सेल्समैन हैं, क्लर्क हैं, ये टाइप वाले जो ये भाई लोग हैं। अब स्मिथ है, ये मैनेजर नहीं हो सकता ना, ये क्लर्क आदमी है। अब एलेन है, ये सेल्समैन है, अभी ये कहाँ से मैनेजर हो जाएगा। तो भाई मैं कैसे पता करूँ कि ये मैनेजर है या नहीं है? सीधी सी बात है, जो इम्प्लाई नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो क्या है? मैनेजर नहीं है, वर्कर है, मजदूर आदमी है। तो भाई अब जैसे ये स्मिथ भाई साहब हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, ये क्लर्क हैं, ये बहुत पैसा खाते हैं भाई साहब। अब देखो ये 7369, अब जरा गौर करना, ये 7369 कहीं पे है क्या? ना, कहीं नहीं है। अच्छा है मैनेजर नहीं है, नहीं तो ये खून चूस जाते भाई साहब ये। अब ये एलन साहब हैं, ये वार्ड हैं, ये सेल्समैन है। अब ये देखो 7499, यहाँ पे कहीं 7499 है क्या? नहीं है, ये सेल्समैन है भाई साहब, सेल्समैन है ये, और ये मैनेजर नहीं है। तो मुझे यहाँ पे इनका नाम दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? बस उल्टा ही तो करना है। मैं बोलता हूँ डिस्प्ले ई नेम फ्रॉम ई एम पी और इम्प्लाई नंबर नॉट इन, भाई जहाँ पे इम्प्लाई नंबर ना हो इसमें से, यही तो करना था। अब मैंने नॉट इन लगा दिया लेकिन आउटपुट नहीं आएगा, ये क्या? सब कुछ सही है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नल है, ये जो नल है ना बहुत परेशान करता है। तो कभी भी जब तुम क्वेरीज लिखते हो तो ईमानदारी से एक चीज और लगा दिया करो, यहां पे लगा दो वेयर एम जी आर इज नॉट नल, एम जी आर इज नॉट नल। अभी मैं यहां पे लगा दूं एम जी आर इज नॉट नल, अभी रिजल्ट हमारे सामने आएगा। देखो ये अपने लोग के कैटेगरी वाले लोग हैं, जो टर्नर भाई साहब हैं, जो वार्ड है, मार्टिन है, एलन है, मिलर है, ये अपने लोग वाले हैं। आशीष वाला कैटेगरी देखो ये है, हम लोग वाला कैटेगरी देखो ये है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग वर्कर्स हैं और मैनेजर हैं, तो ये मुझे मैनेजर का भी लिस्ट आ गया, ये मेरे वर्कर्स का भी लिस्ट आ गया। तो ये हम इस तरीके से हम लोग सब क्वेरीज को बनाते हैं और इस तरीके से फिर हम काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखो, ये तो हमने बात कर ली सब क्वेरीज हम करते हैं कैसे। अब सबसे हम पहले बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज, टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज। ये जो हमारे सब क्वेरीज होते हैं ना, ये अलग अलग तरह के होते हैं, ये अलग अलग तरह के सब क्वेरीज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहला हमारा होता है सिंगल रो सब क्वेरीज। ये जो हमारी सिंगल रो सब क्वेरीज होती है ना, ये जो हमारी सिंगल रो सब क्वेरीज होती है, सिंगल रो सब क्वेरीज का मतलब होता है वेयर सब क्वेरी विल रिटर्न, जहां पे हमारा सब क्वेरीज एक ही रो रिटर्न करेगा उसको हम बोलते हैं सिंगल रो सब क्वेरीज। वेयर सब क्वेरीज विल रिटर्न सिंगल वैल्यू, जहाँ पे सब क्वेरीज एक ही रो रिटर्न करेगा उसको हम बोलते हैं सिंगल रो सब क्वेरीज। और सिंगल रो सब क्वेरीज के अंदर जो हम यहाँ पे ऑपरेटर लगाते हैं, वो ऑपरेटर कौन लगाते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक, अब ये डिसकनेक्ट हो जाएगा तो फिर तुम लोग कनेक्ट, मैंने कनेक्ट पे क्लिक कर देना, कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंगल रो सब क्वेरीज हमने, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम बोलोगे सर सिंगल रो सब क्वेरीज का एग्जाम्पल क्या है, अभी तो तुमने किया था, जो हम सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकाल रहे थे, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी में क्या आ रहा था? डिस्प्ले सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। ये जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट सैलरी था, आप कैसे निकाल रहे थे? आपने लिखा था सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी वेयर सेल लेस देन, और मैंने यहाँ पे लिखा था सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी, सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी, यही तो लिखा था सेकेंड हाईएस्ट के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारा सब क्वेरीज है सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी, ये कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा? यदि मैं इसको रन करूंगा तो ये 5000 रिटर्न करेगा। तो मैंने क्या बोला सिंगल और सब क्वेरीज का एग्जाम डेफिनेशन, मैंने बोला वेयर सब क्वेरीज विल रिटर्न द सिंगल वैल्यू, जहां पे हमारी सब क्वेरीज एक ही वैल्यू रिटर्न करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल रो सब क्वेरीज। और जब यूज करते हैं तो हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑपरेटर लगाया तुमने, ये लगाते हैं ना ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जो भी लगाना है। तो जब सब क्वेरीज आपकी एक ही रो रिटर्न करता है इसको हम बोलते हैं सिंगल रो सब क्वेरीज। बात समझ में आई? दूसरा होता है हमारा मल्टी रो सब क्वेरीज, हमारे यहां पे होता है मल्टी रो सब क्वेरीज।
मल्टी रो सब क्वेरीज क्या होती है, जहां पे आपकी सब क्वेरीज मल्टीपल रिटर्न करेगी, वेयर क्वेरी विल रिटर्न मोर देन वन रो, जहां पे एक से अधिक रो रिटर्न करेगा, उसको हम बोलते हैं मल्टी रो सब क्वेरीज। और मल्टी रो सब क्वेरीज के अंदर जो हम ऑपरेटर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, यहां पर हम ऑपरेटर लगाते हैं इन एनी ऑल। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल, अभी आपने बनाया था एग्जाम्पल, मैंने बोला था आपको मैनेजर का नाम डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले नेम ऑफ मैनेजर, तो आपने क्या लिखा था, आपने यही तो लिखा था सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर एम्प्लाई नंबर इन, यही तो लिखा था आपने सेलेक्ट एम जी आर फ्रॉम ई एम पी, यही तो आपने दिखाया था नेम ऑफ मैनेजर। ये जो आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट है, यदि मैं केवल इसको रन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मल्टीपल रो रिटर्न करेगा नहीं ये। तो जहां पे आपकी सब क्वेरीज मल्टीपल रो रिटर्न करती है उसको हम बोलते हैं मल्टी रो सब क्वेरीज। और मल्टी रो सब क्वेरीज के अंदर ऑपरेटर कौन सा लगता है, देखो यहां पे तुमने क्या लगाया है, इन लगाया है ना, यहां पे हम ग्रेटर देन लगाएंगे तो क्या ये काम करेगा, यदि मैं यहां पे ग्रेटर देन लगा दूं या लेस देन लगा दूं क्या ये काम करेगा, ये देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो मैसेज आ रहा है भाई, सिंगल रो सब क्वेरीज रिटर्न मोर देन वन रो। भाई तुमने तो यहां पे ग्रेटर देन लगा दिया, ग्रेटर देन का मतलब ये मान चुका है कि आप सिंगल रो सब क्वेरीज यूज करोगे, लेकिन आपकी ये जो सब क्वेरीज है वो एक से अधिक रो रिटर्न कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ गई। तो जब कभी भी आपको मल्टीपल रो रिटर्न करवाना हो तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, या तो इन लगाओगे या एनी लगाओगे या फिर ऑल लगाओगे। तो कौन कौन से सब क्वेरीज हो गई, एक हो गई सिंगल रो सब क्वेरीज, एक हो गया हमारा मल्टी रो सब क्वेरीज, बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा तीसरा होता है, और तीसरा होता है हमारा मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज, मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज, सर मल्टीपल कॉलम मुझे सब क्वेरीज। हाँ जी बताओ। हाँ सर मुझे ना मीटिंग ड्रॉप करनी पड़ेगी, सो मल्टीपल सब क्वेरीज से आगे का जो है वो मैं नोट से देख लूंगा। अच्छा मैं अभी इसका ऐसा करूंगा, मैं बना के वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है, तो उस वीडियो से देख ठीक है लेना, सर, मैं यूट्यूब पे अभी डाल दूंगा बना के, मैं उसको वहां से देख लेना। क्या हुआ, कोई इमरजेंसी? हाँ इमरजेंसी मीटिंग है बॉस की ठीक है तो वो ठीक है, लेनी कोई पड़ेगी, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कल करेंगे, कोई दिक्कत सॉरी नहीं, गाइस, ठीक है ना, चलो ओके थैंक यू चलो। सर। हाँ कल्पना क्या बोल रहे थे? मैंने कहा सर यूट्यूब पे भी आपकी वीडियो। हाँ हाँ यूट्यूब पे हैं, मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है चल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज की। मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारी सब क्वेरीज जो हैं वेयर सब क्वेरी विल रिटर्न, वेयर सब क्वेरी विल रिटर्न मल्टीपल कॉलम, जहां पे हमारी सब क्वेरीज मल्टीपल कॉलम रिटर्न करेंगे उसको हम बोलेंगे मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज। अब मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज में क्या लगता है, जो हमारी मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज होती है, मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज में हमारा यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटर होता है वो होता है यहाँ पे इन, इन हमारा ऑपरेटर होता है, वेयर सब क्वेरीज विल रिटर्न मल्टीपल कॉलम। और यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, इन होता है, इन ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। अब ये देखो, जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन है, मान लो मेरा क्वेश्चन है डिस्प्ले डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम सैलरी एंड कमीशन ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हुज सैलरी एंड कमीशन मैच्ड विथ सैलरी एंड कमीशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट 30। जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि नेम दिखाना है, सैलरी दिखाना है, कमीशन दिखाना है कमीशन ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हुज सैलरी एंड कमीशन सैलरी मैच्ड विथ सैलरी एंड कमीशन ऑफ एनी एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट 30। भाई डिपार्टमेंट 30 में कोई ना कोई इंप्लाई होगा, उसका सैलरी और कमीशन होगा, उस सैलरी और कमीशन के बराबर यदि किसी की भी सैलरी और कमीशन हो तो दिखा दो, यही है ना। तो मैं यहां पे कैसे बोलता हूं, मैं बोलता हूं सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा कमीशन फ्रॉम ई एम पी। अब देखो मैं यहां बोलता हूं हेयर सेल कॉमा कॉम,
जरा गौर से देखो, मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम के ऊपर चेक लगा रहा हूँ, वेयर सेल कॉमा कॉम इन। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सेलेक्ट सेल कॉमा कॉम फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30। ये देखो आप जरा गौर से देखो, ये जो तुम्हारी सेलेक्ट स्टेटमेंट है ये कितना कॉलम रिटर्न कर रही है, दो कॉलम रिटर्न कर रहा है ना। तो जब ये सेलेक्ट स्टेटमेंट मल्टीपल कॉलम रिटर्न कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज, और मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज के अंदर ऑपरेटर कौन सा लगता है, इन। अब यहाँ पे ये यह नहीं कि तुम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दोगे, जी यहाँ पे आप केवल इन ही लगा सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज। तो कौन कौन सी सब क्वेरीज हो गई, एक हो गया सिंगल रो, एक हो गया मल्टी मल्टीपल रो, और एक हो गया हमारे पास मल्टीपल कॉलम। मल्टीपल मल्टीपल जी अब आइए, एक चीज यहाँ पे होता है, एक हमारे पास यहाँ पे सब क्वेरीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन व्यू, इनलाइन व्यू। अब इंटरेस्टिंगली देखो, इसको हम बोलते हैं इनलाइन व्यू, कुछ सुनने में अलग सा लग रहा है लेकिन ये होता सब क्वेरीज है, इट्स ए काइंड ऑफ सब क्वेरीज, इट्स ए काइंड ऑफ सब क्वेरी, ये सब क्वेरीज ही होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम के बाद तुम लोग क्या देते हो, फ्रॉम के बाद नॉर्मली हम टेबल का नाम देते हैं, लेकिन एस्ट्रिक्ट हाँ लेकिन मैं यहाँ पे टेबल के नाम की जगह फिर से सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन व्यू। मैंने यहाँ पे बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर से मैंने बोला सेलेक्ट इनएम कॉमा सेल फ्रॉम ईएमपी, अजीब स्थिति है। तो मतलब हाँ इसका क्या अब मतलब भाई हुआ यहाँ था? पे अब ये बात समझने वाली है ना कि भाई इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों लगा रहे हैं ये तो हम सेलेक्ट इनएम और सैलरी भी लिखते तब भी आ जाता। चलो अब इसको समझने के लिए कि इसकी जरूरत क्या है और कहाँ यूज करते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ओरेकल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है स्यूडो कॉलम, स्यूडो कॉलम, इसको हम स्यूडो क्यों बोलते हैं, चूंकि ये झूठा होता है, इनफैक्ट ये झूठा नहीं होता, ये बिल्कुल सच्चा होता है। अब आप इसको झूठा मान लो, जो भी है स्यूडो कॉलम होता है, एक होता है रोनम और एक होता है रो आईडी। ये टेबल में हमेशा होता है, हमें दिखता नहीं है, चूंकि दिखता नहीं है इसलिए लोग इसको झूठा बोलते हैं, झूठा कॉलम। लेकिन ये जो स्यूडो कॉलम है ये टेबल में होता है। ये देखो हम बोलते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, या मैं बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, कहीं तुम्हें दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है ना, लेकिन एक काम करो नहीं यहां पे लगा दो रोनम और यहां पे लगा दो रो आईडी, और बाकी यहां पे डेप डॉट स्टार कर देते हैं, सारा दिख जाएगा। ये देखो ओरेकल में जब भी तुम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो ना, तो उस रिकॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग दो चीज ओरेकल मेंटेन करता है, एक करता है रोनम, रोनम का मतलब हर एक रो का अपना एक नंबर होता है और हर एक रो की अच्छा अपनी एक आईडी होती है। ये देखो ये आईडी दिख रहा है, ये रो का यस जो है ना फिजिकल एड्रेस होता है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होती है। तो ये हमारा यहाँ पे रोनम है, ये हमारा रो आईडी है, ये रो आईडी मतलब रो का एड्रेस है, ये रोनम है और ये बाकी रिकॉर्ड है। चूंकि नॉर्मल तरीके से ये दिखता नहीं है इसलिए जनता इसको क्या बोलती है, स्यूडो कॉलम बोलती है, लेकिन ये स्यूडो कॉलम टेबल में हमेशा होता है और ओरेकल बाई डिफॉल्ट इसको मेंटेन करता है। यदि मैं यहाँ पे ईएमपी टेबल को देख लूँ, यदि मैं यहाँ पे लगा दूँ एम्प्लाई नंबर कॉमा एम्प्लाई नेम कॉमा सेल और फ्रॉम मैं ईएमपी कर दूं, अब जरा गौर से देखो, अरे वाह ईएमपी टेबल में भी होता ही है। कोई भी टेबल ओरेकल के अंदर तुम बनाओगे तो उसके अंदर रो आईडी और रो नम होता है, दीज आर नॉट। बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये रो आईडी और रो नम हमेशा होता है टेबल में, पहली बात। दूसरी चीज, यदि मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, अब मैं बोलता हूँ हेयर रो नम इज इक्वल टू 1, जरा गौर से देखो मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर रोनम इज इक्वल टू 1, तो ये पहला रिकॉर्ड दिखा देगा टेबल से, फर्स्ट रिकॉर्ड ला के दिखा देगा। अब एक बात और देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर रोनम इज इक्वल टू, अब मैं बोलता हूँ रोनम इक्वल टू 2, अब ये क्या करेगा, ये सेकेंड रिकॉर्ड को दिखा देगा, लेकिन ऐसा है नहीं, नहीं दिखाएगा। चलो 3 करके देखते हैं, अब ये नहीं दिखाएगा। अरे ये क्या बात हुई, बात ये हुई कि रोनम इक्वल टू 1 करोगे तो काम करेगा, बाकी किसी भी रोनम पे ये काम नहीं करेगा, इक्वल टू 2, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, ये सब काम नहीं करेगा। केवल रोनम जो है फर्स्ट रिकॉर्ड को ही तुम ऐसे उठा सकते हो, मतलब ये रोनम की तुम तो सर लिमिटेशंस, बाकियों पे क्यों नहीं काम कर रही? वो इसके लिए ओरेकल जवाब दे है, ओरेकल की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया है। जहां तक मेरी समझ है वो समझ ये है कि ओरेकल जो है पूरा इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर पे बेस है, ये बेस एड्रेस को लेके काम कर रहा है इसलिए दिखा रहा है, बाकी को नहीं दिखा रहा। तो ओरेकल जो है रोनम इक्वल टू 1 पे तो काम करेगा लेकिन 2 या 3 या 4 पे काम नहीं करेगा, पहली चीज।
ये रोनम की लिमिटेशन है। दूसरी चीज, अरे मैं यहाँ पे लिख लाऊँ रोनम लेस देन सिक्स, रोनम लेस देन सिक्स यानी कि नीचे ऊपर से पांच रिकॉर्ड को दिखा देगा, ये देखो। लेकिन अरे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोनम ग्रेटर देन सिक्स, अब ये नहीं दिखाएगा, ये अच्छी बात है। तो रोनम के साथ ये खासियत है यहाँ पे ओरेकल में, ये जो हमारा रोनम है ये रोनम केवल चलेगा इक्वल टू वन पे चलेगा एंड रोनम लेस देन पे चलेगा, ठीक है। रोनम इक्वल टू टू या थ्री या फोर पे नहीं चलेगा या रोनम ग्रेटर देन पे नहीं चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम आते हैं अपने उसी टॉपिक के ऊपर, इनलाइन व्यू के ऊपर। भाई आपने पूछा था भाई इनलाइन व्यू का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं ये इनलाइन व्यू। भाई जब हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर यहीं पे मैं डाल देता हूँ सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल फ्रॉम ई एम पी, तो ये तो वैसे भी कर देते तो काम आ जाता। चलिए इसी को हम बोलते हैं इनलाइन व्यू। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे टॉप एन एनालिसिस की। टॉप एन का मतलब, एन मतलब कोई भी नंबर। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई मुझे टॉप फाइव सैलरी दिखानी है, मैं बोलता हूँ कि मुझे टॉप फाइव दिखाना है, या मैं बोलता हूँ कि टॉप टेन सैलरी दिखानी है। अब टॉप फाइव या टॉप टेन कहाँ से निकालोगे? टॉप फाइव का मतलब ऊपर से पाँच, टॉप टेन मतलब ऊपर से दस। अब देखो मैं इसको कैसे बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ भाई सैलरी तो दिखानी है, तो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट। देखो स्टेप बाय स्टेप तोड़ के मैं बनाता हूँ इसको। सबसे पहले मैं सैलरी को उठा लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट सेल फ्रॉम ई एम पी, और मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा देता हूँ, ऑर्डर बाय सेल डी एस सी कर देता हूँ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी आ रहा है, आ रहा है सैलरी हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डुप्लीकेट भी तो आ रहा है, डुप्लीकेट भी तो नहीं आना चाहिए, तो मैं डुप्लीकेट को हटाने के लिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा दूंगा तो डुप्लीकेट भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ लेकिन अभी भी एक दिक्कत है इसमें। अभी मान लो नल वैल्यू होगा तो क्या होगा? नल जो होता है ना सबसे ऊपर आ जाता है, तो मैं यहाँ पे नल के लिए भी हमेशा कंडीशन जरूर लगा दिया करो। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वेयर सेल इज इक्वल टू सेल इज नल, सेल इज नॉट नल, मतलब ये उन्हीं रिकॉर्ड को उठाएगा जहाँ पे सेल नल नहीं हो। नहीं तो यदि नल होगा तो पता लगा ये सबसे ऊपर आ गया, ठीक है, आ गया। अब आपका ये लिस्ट तैयार है, इस लिस्ट में से आपको क्या करना है, ऊपर से पांच दिखाने हैं, ये दिखाना है ना, ऊपर से ये पांच दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे? तो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट सेल फ्रॉम ब्रैकेट ब्रैकेट, और ये लाइन लिख दो जो तुमने ऊपर में लिखा था, और यहाँ पे लगा दो वेयर रोनम इज इक्वल टू रोनम लेस देन सिक्स। ये देखो आ गया ऊपर से पांच। मैंने यहाँ पे बोल दिया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेल फ्रॉम ई एम पी वेयर सेल इज नॉट नल ऑर्डर बाय सेल डी एस सी। अब ऊपर में मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट सेल फ्रॉम, सेल उठा लो कहाँ से, इसमें से। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया वेयर रोनम लेस देन सिक्स, ये राजी आपका टॉप फाइव सेल। कितना आसान है। अरे मान लो मैं बोलता हूँ मुझे टॉप टेन निकालना है, अच्छी बात है निकाल लो, ये लिस्ट है इसमें से लगा दो रोनम लेस देन इक्वल टू 11, आ गया। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे टेंथ हाईएस्ट सैलरी दिखानी है, तो क्या करोगे? सेकंड हाईएस्ट तक तो तुम बहुत महान बन रहे थे भाई, तुमने लिख दिया सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी और सेल लेस देन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी। अब मैं बोलता हूँ जी मुझे टेंथ हाईएस्ट निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे? अब टेंथ हाईएस्ट निकालने के लिए मुझे टेंथ हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। अब उसमें हम ये थोड़ी लिख सकते हैं सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी वेयर सेल लेस देन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी वेयर सेल लेस देन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल, भाई नहीं लिख सकते ना, बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं टेंथ हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालूं? रिजल्ट तुम्हारे सामने है, ये है मेरा टॉप टेन सैलरी, ये टॉप टेन सैलरी है। अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मुझे ये दिख जाए, ये तो करना है मुझे, तो क्या करें बताओ? मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि ये मिल जाए, बोलो। मैंने पहले ही बताया था, हाँ तो रोनम इक्वल टू टेन तो चलेगा ही नहीं। अरे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मीन लगा दो, मीन ऑफ सेल निकाल लो टॉप टेन में से। यदि मैं मिनिमम सैलरी निकाल दूंगा तो टेंथ हाईएस्ट मिल जाएगा, तो फिर इसमें इतना सोचने की जरूरत थोड़ी है भाई। टॉप टेन निकाला, टॉप टेन में से मिनिमम निकाल दिया, तो ये राजी हमारा टेंथ हाईएस्ट सैलरी, सही है ना। अरे मान लो मैं बोलता हूँ जी मुझे बॉटम फाइव सैलरी दिखानी है, तो बॉटम फाइव सैलरी दिखानी है मतलब नीचे से पांच, या मान लो मैं बोलता हूँ कि नीचे से दस सैलरी दिखानी है,
क्या करोगे? कुछ नहीं करना, करना क्या है, जो करेगा ये भाई साहब करेंगे, हमें क्या करना। ये रहा, अरे सैलरी में जो डिसेंडिंग लगा रहे हो इसको हटा दो ना, असेंडिंग ऑटो हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, अब ये लिख देता हूँ, ये रहा जी बॉटम फाइव सैलरी आ गई। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे टेंथ लोएस्ट सैलरी दिखाना है, तो अरे मैं बोलता हूँ कि मुझे टेंथ लोएस्ट सैलरी दिखानी है तो कैसे दिखाओगे? इसमें से मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए? अरे मैं यहाँ पे इसका मैक्स निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा? जैसे पहले वाले में निकाला। अरे मैं यहाँ पे मैक्स लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल, मैं यहाँ पे से मैक्स निकाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये लगा दिया और मैंने यहाँ पे ये बोल दिया, मैं बोल देता हूँ ये देखो आ गया। तो ये जो तुम काम कर रहे हो ये कौन सा व्यूज है हमारा? ये इनलाइन व्यूज है। तो इनलाइन व्यूज का सबसे बड़ा जो यूज है वो यही है, गारंटेड क्वेश्चन है। अभी से लेके 5 साल, आने वाले 5 साल तक तुम जितने भी इंटरव्यू में जाओगे उसमें ये सवाल होंगे, हाउ टू डिस्प्ले द टॉप 5 सैलरी, हाउ टू डिस्प्ले द 10th हाईएस्ट सैलरी, हाउ टू डिस्प्ले द बॉटम 5 सैलरी, ठीक है? तो ये सवाल हमेशा आपके सामने होंगे, तो इनको आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है, ठीक? चलो अब मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि भाई एक होता है यहाँ पे हमारे पास रो आईडी। अब ये जो रो आईडी है इसको भी समझ लो, इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? चलो मान लो मैं एक टेबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल। मान लो मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ RST, और मैं यहाँ पे लेता हूँ रोल इज अ टाइप नंबर ऑफ 2, ले लिया। अब मैं इस टेबल के अंदर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इन टू RST वैल्यूज, मैं बोलता हूँ रोल इज इक्वल टू 1। अब जरा गौर से देखो, मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू डाल दिया मैंने। अब यदि मैं बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम RST, तो RST के अंदर ये डुप्लीकेट वैल्यू डाल गया, आ गया ना? अब मुझे क्या क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है कि डिलीट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, टेबल से डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकालना है। डुप्लीकेट कैसे निकालोगे भाई? इसका मतलब ये हो गया कि ये इस एक में से एक बच जाएगा बाकी सब हट जाएगा, इस दो में से एक बच जाएगा बाकी हट जाएगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ? ध्यान से देखो, कभी भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो सकता है, रो आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी, रो आईडी हमेशा यूनिक होगा। ये देखो रो आईडी सबका डिफरेंट है, ABCD, देखो ये रो आईडी अलग है। अब यदि मैं एक काम करता हूँ इस रोल का मैक्सिमम रो आईडी निकाल लेता हूँ, इस रोल का मैक्सिमम रो आईडी निकाल लेता हूँ, अब बाकी को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैसे निकालोगे मैक्सिमम रो आईडी, मैं बोलता हूँ सेलेक्ट मैक्स ऑफ रो आईडी, या मैक्स या मीन कुछ भी लगा दो फ्रॉम RST, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ ग्रुप बाय, किसके ऊपर? रोल के ऊपर। तो रोल के हिसाब से मैंने यहाँ पे मैक्सिमम रो आईडी निकाल ली, देखो एक निकल गया D और एक निकल गया J। अब इनके अलावा बाकी जितना है सबको डिलीट कर दो, तो क्वेरीज लिखो। मैं बोलता हूँ डिलीट फ्रॉम RST वेयर, डिलीट फ्रॉम RST वेयर रो आईडी नॉट इन, जहाँ पे रो आईडी इनमें से ना हो, किन में से? ये जो तुमने लिखा था, बस देखो 8 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब यदि मैं जाके देखूँ, सेलेक्ट चला के देखूँ, ये देखो एक और दो बच गया, वहाँ के डुप्लीकेट रिकॉर्ड खत्म हो गए, एक एक रिकॉर्ड बच गया ना। गारंटेड क्वेश्चन है तुम्हारे सारे इंटरव्यूज का आने वाले 5 साल तक, हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। तो हम लोग रो आईडी का यूज करके डुप्लीकेट रिकॉर्ड को इस तरीके से रिमूव करते हैं, बात समझ में आई? तो रो आईडी का ये यूज है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये सवाल आपसे हमेशा पूछा जाएगा, ठीक? अब आइए इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है। चलो मान लो मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, आप मुझे टॉप 50% रिकॉर्ड दिखा दो, ऊपर से 50% रिकॉर्ड दिखा दो, या मैं बोलता हूँ 50% रिकॉर्ड या 50% सैलरी, मान लो मैं बोलता हूँ कि ऊपर से 50% रिकॉर्ड दिखा दो। अब कैसे तुम पता करोगे भाई ऊपर से 50%? 10 का मतलब 5 रिकॉर्ड, 20 का मतलब 10 रिकॉर्ड, 40 का मतलब 20 रिकॉर्ड, कैसे निकालोगे?
हम बोलते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, मैं बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर रो नम लेस देन। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेलेक्ट काउंट ऑफ रो नम या काउंट ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय टू फ्रॉम ईएमपी, फ्रॉम ईएमपी। ये देखो आ गया टॉप फाइव, माने आधा रिकॉर्ड आ गया। तो मैंने यहाँ पर बोला सेलेक्ट स्टार, और आप इसमें एक काम और कर सकते हो, देखो छः ही आ रहा है जबकि रिकॉर्ड में शायद 13 या 14 रिकॉर्ड है, 13 रिकॉर्ड है, तो आप इसको और थोड़ा सा एक्यूरेट कर सकते हो, यहाँ पे राउंड लगा दो। राउंड लगा दोगे तो क्या होगा, यदि 0.5 से कम होगा तो एक ऊपर बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पर राउंड लगा देते हैं, राउंड ऑफ काउंट स्टार डिवाइडेड बाई टू, इसको राउंड कर दो। अब ये देखो आ गया, उतने ही रिकॉर्ड होंगे इसलिए उतना। तो यदि हमें 50% रिकॉर्ड देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं, समझ में आई बात। अब मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक काम करो, लास्ट 50% रिकॉर्ड दिखा दो। अब ये कैसे दिखाओगे भाई, मेरा सवाल है कि लास्ट 50% रिकॉर्ड दिखा दो, यानी कि नीचे से 50% जी। अब ग्रेटर देन तो चलता नहीं है रो नम पे, समस्या ही है। तो अब इसको दिखाने के लिए अब तुम्हें एक चीज और समझना पड़ेगा, एक होता है ओरेकल के अंदर सेट ऑपरेटर, एक होता है ओरेकल के अंदर सेट ऑपरेटर। ये जो हमारा सेट ऑपरेटर होता है ना, सेट ऑपरेटर हम क्यों लगाते हैं, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन सेलेक्ट स्टेटमेंट एट ए टाइम, एक बार में एक से अधिक सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करना हो ना, तो हम लोग सेट ऑपरेटर लगाते हैं। अब सेट ऑपरेटर का अपना नियम कानून होता है भाई, बहुत मुश्किल नियम कानून है इसके। ये बोलता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टाइप्स ऑफ कॉलम, ये जो होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। मतलब दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए और जो टाइप्स ऑफ कॉलम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टाइप्स ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए यहां पे। चलो बना के देखते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूं सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी, अब मैं यहां बोलता हूं वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। अब मैं बोलता हूं यूनियन, यूनियन हमारा क्या है, सेट ऑपरेटर। अब मैं बोलता हूं सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। ये देखो ये क्या करेगा, ये 10 और 20 दोनों का रिकॉर्ड निकाल के दिखा देगा। ये देखो यहाँ पे 10 के भी रिकॉर्ड आ रहे हैं और 20 के भी रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो आपने ये कैसे करा, आपने यहाँ पे यूनियन लगा दिया। और मैंने बताया था कि जब कभी भी सेट ऑपरेटर लगाओगे तो सेट ऑपरेटर में कहानी होती है कि दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट में नंबर ऑफ कॉलम्स, ये देखो दोनों में कितने कॉलम है, तीन तीन कॉलम है, और इनका डेटा टाइप जो है वो भी सेम है। तो ये हमारा सामने आ गया। यूनियन में क्या होता है, वो इसका भी रिकॉर्ड दिखा देगा, इसका भी रिकॉर्ड दिखा देगा। यूनियन के जगह, यूनियन के जगह हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं माइनस, हम यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस। माइनस में क्या होगा, यूनिक ऑफ द फर्स्ट दिखा देगा, वो रिकॉर्ड दिखाएगा जो पहले वाले में तो है जो दूसरे वाले में नहीं है। ये देखो ये इस वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट का उस रिकॉर्ड को दिखाएगा जो यहाँ पे तो है लेकिन इसमें नहीं है। हाँ जी, ये सारे रिकॉर्ड इसमें है, इसमें नहीं है। माइनस का मतलब होता है यूनिक ऑफ द फर्स्ट, यूनिक ऑफ द फर्स्ट, वो रिकॉर्ड जो पहले वाले में तो हो लेकिन दूसरे में ना हो। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और लगा सकते हैं, यूनियन ऑल, सॉरी हम यहाँ पे लगा सकते हैं इंटरसेक्ट। ये जो इंटरसेक्ट होता है ना, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो दोनों में कंबाइंड हो, कॉमन हो। तो दोनों में कोई कॉमन तो है ही नहीं इसलिए कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब यदि मान लो मैं ऊपर में भी यहाँ पे ये डाल देता हूँ और इंटरसेक्ट लगा देता हूँ, यहाँ पे भी ये डाल देता हूँ, तब तो ये कॉमन हो गया ना, ये दिखाएगा। तो इंटरसेक्ट का मतलब है जो कॉमन रिकॉर्ड होगा वो आएगा। जो माइनस है, माइनस का मतलब होता है यूनिक ऑफ द फर्स्ट, वो रिकॉर्ड जो पहले, हाँ जो पहले वाले में तो हो लेकिन दूसरे में ना हो। और यूनियन का मतलब होता है जो दोनों जगह से डेटा को लाके दिखा देगा। ठीक, एक भाई साहब है यहाँ पे यूनियन ऑल, मान लो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूनियन, अब मैं बोलता हूँ सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी, अब ये क्या दिखाएगा, कितना रिकॉर्ड दिखाएगा ये मुझे 12 रिकॉर्ड ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है 12 रिकॉर्ड, क्योंकि यूनियन में क्या होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को बार बार नहीं दिखाता, वो एक ही बार दिखाता है।
यूनियन जो है डुप्लीकेट वैल्यू को एक ही बार दिखाता है, बार बार नहीं दिखाता। तो तुमने बोला सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी तो ये आ गया, और फिर तुमने बोला सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी तो इसने देखा अरे भाई वो तो डुप्लीकेट है, तो इसने यूनिक वैल्यू को ही दिखाया। अब यूनियन के जगह यदि मैं यहाँ पे लगा दूँ यूनियन ऑल, तो ये क्या करेगा? ये देखो ये 28 रिकॉर्ड दिखा रहा है, इसने डुप्लीकेट सुप्लीकेट सबको दिखा दिया, ठीक है। तो यूनियन ऑल जो होता है ये भाई साहब एकदम मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी का आदमी है, ये जो मिला सब दिखा दिया, और जो यूनियन होता है वो वही दिखाता है जो दोनों में कॉमन होता है। बात समझ में आई? तो यूनियन ऑल, हाँ, तो ये अंतर होता है यूनियन में और यूनियन ऑल में। चलो मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूनियन, और मैं बोलता हूँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट, क्या ये काम करेगा? मैंने बोला सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी यूनियन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट, क्या ये काम करेगा? डिपार्टमेंट लेकिन टेबल अलग है, कॉलम का नाम भी अलग है, उससे क्या होता है, काम करेगा? भाई नंबर ऑफ कॉलम सेम है और इनका डेटा टाइप भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करेगा। लेकिन हाँ, जो हेडिंग्स आएगी वो पहले वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से ही आएगी, जो हेडिंग्स आएगी वो पहले वाले सेलेक्ट, हाँ वही आएगा। अब एक चीज़ और देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, क्या ये काम करेगा? ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा ना। ये देखो भाई डिपार्टमेंट नंबर तो इसके लिए कुछ है ही नहीं, इसके लिए तो सैलरी है, कॉलम का नाम, ये देखो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे ऑर्डर बाय हम सैलरी, यानी कि जब कभी भी सेट ऑपरेटर के साथ ऑर्डरिंग करोगे ना, तो ऑर्डरिंग के वक्त तुम्हें जो फर्स्ट कॉलम होता है वो यूज करना है। यदि तुम गलती से भी ये कर दोगे तो यही मिलेगा जो मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय मैं सेल कर दूँ तो अब ये काम करेगा। समझ में आई बात? जी चलिए, तो ये था हमारा सेट ऑपरेटर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ। और भाई मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था कि डिस्प्ले लास्ट 50% रिकॉर्ड, आपको लास्ट के 50% रिकॉर्ड को शो करना है, यही था मेरा सवाल। ये रहा, तो लास्ट 50% रिकॉर्ड आप शो कैसे करोगे? चलो मैंने आपको बताया था लास्ट 50% से पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट 50% रिकॉर्ड बताया था ना। तो फर्स्ट 50% रिकॉर्ड के लिए आपने यहाँ पे क्या लिखा था? भाई फर्स्ट 50% के लिए आपने यहाँ पे लिखा था, आपने यहाँ पे फर्स्ट 50% के लिए लिखा था सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर रो नंबर लेस देन, आपने यही तो लिखा था। हाँ जी, तो अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी, ठीक, और अब मैं बोलता हूँ माइनस, लगा दिया, और फिर से मैं वही लिख देता हूँ जो आपने 50% के लिए लिखा था, ये लिखा था ना आपने, कहाँ गया मेरा वो 50%? ठीक है, देखो इंसान जो होता है स्वभाव से आलसी होता है, देख इतना देर में मैं लिख देता लेकिन लिखने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं एरो की से ये देखो अप डाउन कर रहा हूँ, ये देखो आ गया, ये देखो आ गया लास्ट 50%। भाई आपने यही तो बोला था यूनिक ऑफ द फर्स्ट, तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी में क्या आएगा? पूरा का पूरा रिकॉर्ड आएगा। और तुम नीचे में यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहे हो? शुरुआत के 50%, तो शुरुआत का 50% वाला कॉमन हो गया तो उसको हटा देगा, तो बाकी जो बचा वो उसने उसको डिस्प्ले कर दिया, तो ये आ गया हमारा लास्ट 50% रिकॉर्ड। समझ में आई बात? तो बड़ी अच्छी चीजें हैं, ये चीजों को ध्यान रखना है आप लोगों को। अब ये वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग है सर। हाँ, ये और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे मान लो मेरा सवाल है कि भाई आपको करना क्या है, देखो दुनिया बोलती है कि भाई टॉप फाइव दिखा दो, लोग बोलते हैं जी बॉटम फाइव सैलरी दिखा दो। अब मेरा सवाल है ना तो टॉप फाइव ना तो बॉटम फाइव, ऑलरेडी आप जानते हो, मेरा सवाल है मिडिल सैलरी दिखा दो, मेरा सवाल है कि जो बीच में जो सैलरी है वो दिखा दो। मैं टॉप फाइव या बॉटम फाइव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ बीच में जो है वो दिखा दो। तो सबसे पहले आप टेबल देखो, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे जो टेबल हैं टेबल में 14 रिकॉर्ड हैं, तो 14 में तो बीच नहीं निकलेगा ना, 15 रिकॉर्ड होगा तब तो मैं बीच निकाल पाऊंगा, वैसे मैं तो निकालूंगा राउंड या ट्रंक लगा के, लेकिन मैं कायदे से बात करता हूँ, तो 15 का आधा यदि मैं करूँ तो भाई 7 मैं उधर से छोड़ दूँ, 7 उधर से छोड़ दूँ, तो 8वां रिकॉर्ड जो होगा मुझे वो दिखाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक रिकॉर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ, है ना,
मैं बोल देता हूँ इंसर्ट इनटू ईएमपी, और मैं यहाँ पे इम्प्लाई नंबर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे इम्प्लाई का नाम ले लेता हूँ और सैलरी ले लेता हूँ और वैल्यू डाल देता हूँ इम्प्लाई नंबर और इम्प्लाई नेम, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सैलरी, डाल दिया। अब मैं इसे यहाँ पे कमिट कर देता हूँ और ये रहा जी हमारा ईएमपी टेबल। अब मैं बोलता हूँ कि आपको एक काम करो कि मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो मैं बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार के साथ साथ मैं यहाँ पे रोनम भी लगा देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा दिखाना क्या है। रोनम, और मैं बोल देता हूँ ईएमपी डॉट स्टार, ये देखो। तो मुझे आठवां रिकॉर्ड दिखाना, मतलब ये वाली सैलरी दिखानी है। सात ऊपर से छोड़ दो, सात नीचे से छोड़ दो, बाकी ये जो बीच में भाई साहब है इनको दिखा दो, यही तो करना था मुझे। तो मेरा सवाल था कि भाई यू नीड टू डिस्प्ले द मिडिल सैलरी। मिडिल सैलरी का मतलब क्या है, चलो हम बनाते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई, ये था हमारा, याद है आपको, ये हमने बनाया था 50% के लिए बनाया था ना। मैंने बोला था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी हुए रोनम लेस देन, ठीक। अब मैं यहाँ पे लेस देन के जगह यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेस देन इक्वल टू, ठीक है। 15 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 7.5। 7.5 को राउंड करो, क्या मिलेगा, 8, 8 मिल जाएगी ना। तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये शुरुआत के 8 रिकॉर्ड को दिखा देगा मुझे। अभी मैं यहाँ पे रोनम कॉमा इम्प डॉट स्टार करता हूँ, ये देखो ये 8 रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये 8 रिकॉर्ड दिखा रहा है ना। और अभी मैं यहाँ पे इक्वल टू हटा दूँ तो कितना रिकॉर्ड दिखाएगा, 7 रिकॉर्ड दिखाएगा, दिखाएगा ये 7 रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये 8 रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये 7 रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब यदि मैं माइनस लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यदि मैं ये हटा दूं, वो यदि मैं ये लगा दूं और मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं और मैं यहाँ पे ये लगा दूं, ये लगा दूं, ये देखो निकल गया मिडिल सैलरी, 8वां रिकॉर्ड आ गया। मतलब कि दोनों वाले स्टेटमेंट के साथ माइनस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे मिडिल सैलरी दिखाई है, और इस तरीके से हम यहाँ पे माइनस ऑपरेटर का यूज़ करके मैंने यहाँ पे मिडिल सैलरी को दिखा दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आप समझ लो, ये जो आप सेशन कर रहे हो ये लाइफ टाइम है, हमेशा चलता ही रहेगा। जब कभी भी आप इंटरव्यू में जाओगे यू विल गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब आइए इसके बाद, तो हमने बात करी थी कौन कौन सी सब क्वेरीज थी हमारी। एक तो सब क्वेरीज थी सिंगल रो सब क्वेरीज, सिंगल एक थी हमारी फिर मल्टी मल्टीपल रो, एक थी हमारी मल्टी रो, एक थी हमारी मल्टीपल कॉलम, एक थी कॉलम, हमारी मल्टीपल इनलाइन कॉलम, और एक था हमारा यहाँ पे इनलाइन इनलाइन व्यू। एक भाई साहब और हैं यहाँ पे, अब वो जो भाई साहब हैं वो थोड़े से अलग हैं। वो भाई साहब हैं, उनका नाम है कोरिलेटेड सब क्वेरीज, ये कोरिलेटेड सब क्वेरी। अब ये जो कोरिलेटेड सब क्वेरीज है, अब ये क्या है भाई, देखो ये थोड़े से अलग तरह के प्राणी हैं, ये स्पेशल टाइप के सब क्वेरीज हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज। ये जो सब क्वेरीज है वो अलग तरह का है। देखो अभी तक तो तुमने ये पढ़ा था कि भाई सब क्वेरीज में क्या होता है, पहले इनर चलता है फिर आउटर चलता है, यही पढ़ा था ना। लेकिन इसमें क्या होता है, कोरिलेटेड के अंदर पहले आउटर चलता है, आउटर के बाद फिर इनर चलता है, फिर आउटर चलेगा, फिर इनर चलेगा, और इस तरीके से ये काम करता है। ये आउटर हाँ, ये कुछ उसी तरह से काम करता है जैसे तुम लोग नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हो। नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है, पहले ऊपर वाला लूप एक बार चलता है, फिर नीचे वाला लूप 5 बार या 10 बार जो भी आप लिखते हो चलता है, फिर ऊपर वाला ये लूप एक बार चलता है, फिर नीचे वाला लूप चलता है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप, ठीक। सपोज करो मेरा सवाल है, मेरा सवाल है कि कहाँ यूज करोगे। मान लो मेरा सवाल है कि डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज, मेरा सवाल है डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट। सवाल को ध्यान से पढ़ो, मेरा क्वेश्चन है डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय, अच्छा, हुज सैलरी इज मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट। भाई हर एक एम्प्लॉय का कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट की कोई ना कोई एवरेज सैलरी होगी। उस एवरेज सैलरी से यदि आपकी सैलरी ज्यादा है तो दिखा दो, नहीं तो मत दिखाओ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ बोलते हैं सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैल फ्रॉम ई एम पी, डिपार्टमेंट नंबर भी ले लो फ्रॉम ई एम पी। अब हम यहाँ पे एलियास नेम लगा देते हैं ई। अब हम बोलते हैं वेयर सेल लेस देन, अब मैं यहाँ बोलता हूँ सेलेक्ट एवरेज ऑफ सेल फ्रॉम ई एम पी
और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन वेयर सेलेक्ट एवरेज ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब जरा गौर से देखो, मैंने जो यहाँ पे ई लिया है, ये ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाहर वाले क्वेरीज को, इसका मतलब इस डिपार्टमेंट नंबर को। तो मैंने बोला सेलेक्ट एवरेज ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू ये वाला डिपार्टमेंट नंबर। तो जब आउटर क्वेरी की रेफरेंस हम इनर क्वेरी में डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं को रिलेटेड सब क्वेरीज। ये देखो आ गया, ये देखो ई नेम आ गया, सैलरी आ गया, डिपार्टमेंट नंबर आ गया, मतलब ये वो भाई लोग हैं जिनकी सैलरी अपने डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। एक काम करो, सबका एवरेज सैलरी निकाल के देखो। मैं बोलता हूँ सेलेक्ट एवरेज ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ये देखो, एक काम करो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर भी लगा दो तो क्लियर पिक्चर मिल जाएगा तुम्हें। ये देखो 10 का एवरेज सैलरी कितना है? 3725। यहाँ देखो 10 के ये भाई साहब हैं, मैंने सवाल क्या लिखा सेलेक्ट, अच्छा मैंने यहाँ पे लेस देन लगा दिया, मोर देन लगाना था ना, तो मैंने क्वेरीज गलत लिख दी थी। यहाँ पे आपने लेस देन लगा दिया था, ग्रेटर देन लगाओ और सैलरी शुड बी ग्रेटर देन। ये देखो, अब ये जो 10 वाले भाई साहब हैं, 10 वाले भाई साहब का कौन सा सैलरी दिख रहा है? 5000। क्यों? चूंकि एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। ये 20 है, 20 का एवरेज सैलरी कितना है? ये है, तो ये इससे ज़्यादा है इसलिए दिख रहा है। तो जो एवरेज सैलरी ज़्यादा, तो जब हम आउटर क्वेरी की रेफरेंस इनर क्वेरी में पास कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं को रिलेटेड सब क्वेरीज। बात समझ में आया? तो ये हमारा को रिलेटेड सब क्वेरीज। क्लियर? यस जी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो नोट्स है ये अभी आपको मेल कर देता हूँ, ठीक है? और मैं सर आपका यूट्यूब पर किस हाँ नाम से? मैं बता देता हूँ आपको, आप यहाँ पे जाना, आप कुछ मत करना, आप यूट्यूब में जाना, और यूट्यूब में जाने के बाद आप यहाँ पे, अभी मेरे पास इतने लाइक्स या सब्सक्राइबर नहीं है जो तुरंत आ जाएगा। आप एक काम करना, यहाँ पे मेरा नाम डाल देना, CHOUDHERY, ठीक है ना? आप ये डाल, सबसे पहले मैं यहाँ पे मिल जाऊँगा आपको। आप इस पे जाना और यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और तमाम जो चीज़ें हैं वो कर लेना। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है? तो मैं ये वीडियो अभी नया सीरीज बना के डालूंगा, ये सब वीडियो जो हैं लेकिन थोड़े से अलग हैं, तो मैं इसको नया वीडियो बना के नया सीरीज में डालूंगा, तो अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। यदि आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे पाइथन के भी वीडियोस हैं, पांडास के भी हैं, MySQL के भी हैं, काफ़ी वीडियोस हैं यहाँ पे, ओरेकल के भी वीडियोस हैं यहाँ पे, .NET ट्यूटोरियल्स भी हैं, C# के भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, बिग डेटा, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने डाल रखी हैं। तो मैं अभी इसका प्लेलिस्ट में इसको डाल दूंगा सब क्वेरीज में, तो वहाँ से आप देख सकते हो इसको, ठीक है?